तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपनी किसी भी वीडियो के लिए, चाहे वो YouTube की वीडियो हो, चाहे Instagram की वीडियो हो, चाहे कोई भी वीडियो हो, इनफैक्ट कोई भी ऑडियो हो, उसके लिए आप लोग सबटाइटल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये सबटाइटल्स आप यूट्यूब में यूज़ कर सकते हो, ये सबटाइटल आप इंस्टाग्राम में यूज़ कर सकते हो, ये सबटाइटल आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और ये सबटाइटल हम लोग बिल्कुल फ्री में भैया क्रिएट करेंगे। और जो मैं वेबसाइट आपको बताऊंगा, वहां से आप लोग अनलिमिटेड सबटाइटल्स क्रिएट कर सकते हो। वहां से आप अपनी ऑडियो के लिए कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो के लिए कर सकते हो, किसी भी दूसरी वीडियो के लिए आप वहां से सबटाइटल्स को क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल अनलिमिटेड। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट एआई की हेल्प लेती है सबटाइटल्स को क्रिएट करने में, तो हो सकता है छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स आ जाएं। तो एक बार सबटाइटल जब आपका क्रिएट हो जाए ना, तो उसको ज़रा रीवॉच या फिर रीमैच कर लीजिएगा अपनी वीडियो से कि भैया हाँ, मेरी वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ सबटाइटल वैसे के वैसा है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगा ये काम। तो बहुत बढ़िया, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे मेरी एक ये वीडियो है, ये मैंने हिंदी में बना रखी है। ठीक, बट मुझे चाहिए कि भाई ये जो वीडियो है ये US के लोग भी देख पाएं। अब मैं भाई इंग्लिश बोल करके दोबारा वीडियो तो नहीं बनाने बैठूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश के जो भाई मेरे सबटाइटल है ना, वो अपने आप जनरेट हो जाएं। और ये जो यूट्यूब जनरेट करता है ना इंग्लिश के सबटाइटल, वो बड़े ख़राब होते हैं, वो एकदम एक्यूरेट नहीं होते हैं अगर आप हिंदी टू इंग्लिश करवा रहे हो। तो इसके लिए मैं एक थर्ड पार्टी का यूज़ करता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी टूल कौन सा है हमारा। सबसे पहले आपको जाना है पिन कमेंट में। ठीक है, पिन कमेंट में चले जाना, दो वेबसाइट की लिंक वहां पे मैंने दे रखी है, दोनों वेबसाइट आपके काम की है। ठीक है, तो जो सबसे पहली हमारी वेबसाइट है ना, वो है विस्पर जैक्स वाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं हगिंग फेस की वेबसाइट है ये। अब यहाँ पे आप लोग ना भाई अपने सबटाइटल्स को बहुत ही आराम से क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भैया आप माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करके सबटाइटल्स क्रिएट कर लो, कर सकते हो। ऑडियो फाइल से कर सकते हो, यूट्यूब फाइल से कर सकते हो, या फिर यूट्यूब के URL से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब में ध्यान से देखो, इंटरफेस एक ही टाइप का है। यहाँ पे YouTube का URL पड़ेगा, यहाँ पे ऑडियो फाइल ड्रॉप होगी, यहाँ पे माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग होगी। ये जो टास्क है ना, ये टास्क के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं YouTube के सेक्शन में टास्क के बारे में बता दे रहा हूँ। सब में टास्क वैसा ही काम करेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे कि मुझे अपनी इस वीडियो के लिए सबटाइटल क्रिएट करना है। ठीक है, इंग्लिश सबटाइटल जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो एज इट इज इंग्लिश में लिख करके आए बहुत ही अच्छे से। तो हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल से मैं ये YouTube का URL कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और ध्यान से देखिए, मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अभी पेस्ट करने के बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे टास्क पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसक्राइब। ठीक है, टास्क पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब के ऊपर अगर आप लगा रहने दोगे, तो आप जो लैंग्वेज में बोल रहे हो ना, वो लैंग्वेज की जितनी भी चीज़ें आप बोल रहे हो, वर्डिंग्स जो हैं, वो यहाँ पे लिख के आना शुरू हो जाएंगी। और एक खास चीज़ और इस वेबसाइट के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप एक से ज़्यादा भाई बार इसको ट्राई करते हो, जैसे एक वीडियो आपने ट्राई की, ठीक है, उसका सबटाइटल निकाल लिया, फिर तुरंत दूसरी, फिर तुरंत तीसरी, तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक रेड कलर का एरर आपको देखने को मिलेगा। वो लोग बोलेंगे आउट ऑफ मेमोरी हो गई है, या फिर ऐसा कुछ एक एरर आता है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड आप यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पे ये दिक्कत होता है कि आप जल्दी जल्दी कर रहे हो ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा वेट करना होगा, या वेबसाइट को रिफ्रेश करना है, या फिर अपने भाई गूगल क्रोम या फिर जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसे कट करके रीओपन करके दोबारा ट्राई करना। ये 101% वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसक्राइब पे क्या होगा, जो भी आप बोलोगे वर्डिंग्स, वो यहाँ पे लिख करके आ जाएंगी, चाहे इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो। अभी यहाँ पे एक जो दूसरा ऑप्शन है, वो है ट्रांसलेट का। इस ट्रांसलेट के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ना, तो अगर आप अपनी वीडियो के अंदर हिंदी में बोल रहे हो, मैंने ये जो टेस्टिंग की है ये हिंदी वॉइस के लिए की है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में वीडियोस बनाते हो, तो आप एक बार टेस्ट कर लेना क्या उस लैंग्वेज के ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ये टूल। तो ये भाई आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोग ये कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे। और यूट्यूब के ऊपर अगर आप लोगों को सबटाइटल्स लगाने हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर खासकर, तो आपको टाइम स्टैम्प की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा रिटर्न टाइम स्टैम्प, मतलब कौन से टाइम पे आपने कौन सी लाइन बोली है, ये भी यहाँ पे आपको ये बता देगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोगों ने इसको टिक किया, ट्रांसलेट टिक किया, और अभी हम लोग सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा जो ट्रांसलेशन है ना, वो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गया है। इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है, मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम तो भाई 3 से 4 मिनट के अंदर भी हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि हमारी ये जो वीडियो का सबटाइटल था ना, वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे निकल के आ चुका है। आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है मेरी पूरी वीडियो का सबटाइटल।
मैं इसको पूरा ऊपर तक लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं स्टार्टिंग में बोलता नहीं हूँ हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों का ये जो ट्रांसक्राइब या फिर आप ट्रांसलेट इसको कह सकते हो, ये सब हो गया है बहुत ही अच्छे से। अभी क्या करना है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और डेस्कटॉप पे मैं क्या करता हूँ एक नोटपैड की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी के अंदर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक, अभी मैं YouTube के ऊपर कैसे इस ट्रांसलेशन को भाई लगाना है, वहाँ पे जो सबटाइटल वाला सेक्शन आता है ना, वहाँ पे कैसे इसको ऐड करना है, ये चीज़ सिखा दे रहा हूँ। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, बट मैं YouTube का मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहला जो आपको स्टेप लेना है वो ये जो ब्रैकेट्स आपको दिए गए हैं ना, इनको हटाना है। ठीक है, कैसे हटाओगे आप लोग, सिंपल से रिप्लेस के ऊपर जाना। रिप्लेस के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये जो फाइंड व्हाट है ना, फाइंड व्हाट पे इस ब्रैकेट को लगा देना। ठीक है, और रिप्लेस विथ पे ब्लैंक रख देना, और रिप्लेस ऑल जैसे करोगे यहाँ पे ध्यान से देखो इस टाइप के सारे ब्रैकेट गायब हो गए। अभी हमें क्या करना है, फाइंड व्हाट पे दूसरा वाला ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, और रिप्लेस विथ पे हम लोग ब्लैंक रखेंगे। रिप्लेस ऑल जैसे ही करोगे तो यहाँ पे भी इस टाइप वाले सारे के सारे ब्रैकेट्स गायब हो गए हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने यहाँ टाइम स्टैम्प से दोनों साइड के ब्रैकेट्स को गायब कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट फाइल को सेव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल हमारी क्रिएट हो गई है, इसके अंदर हमारे सबटाइटल्स हैं, चलो बहुत बढ़िया। बट ये हम लोग डायरेक्ट YouTube पे ऐसे नहीं अपलोड कर सकते, इसको हमें सबटाइटल फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग SRT फाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, पिन कमेंट में जाना है, और एक और वेबसाइट मैंने दे रखी है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, सब टू सर्ट फाइल है, गो ट्रांसक्राइब की वेबसाइट है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये वेबसाइट भाई ना खुले, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आप लोग किसी और वेबसाइट के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। बट मैंने जितनी भी वेबसाइट का यूज़ किया, मुझे सबसे बेस्ट यही वेबसाइट लगी, और यही वेबसाइट मेरे टेक्स्ट फाइल को भैया SRT फाइल में बहुत ही आराम से कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से अपलोड करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने अपलोड कर दिया है, और मुझे कौन से फॉर्मेट में से कन्वर्ट करना है, SRT। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट। ठीक, मैंने जैसे यहाँ पे कन्वर्ट दबाया, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि मेरी SRT फाइल यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आ गई है, चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को अपलोड करूँगा अपनी वीडियो में। तो कैसे अपलोड करूँगा, सिंपल से जो सबटाइटल का सेक्शन है इसके ऊपर चला जाऊँगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो वीडियो मेरी है ना वो हिंदी लैंग्वेज में है, तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक कैप्शंस आ गए हैं, और यहाँ पे ये जो सबटाइटल्स है ना वो हिंदी के सबटाइटल्स आ रहे हैं। तो मैं सिंपल से क्या करता हूँ, ये जो ऑटोमेटिक कैप्शंस है ना, इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, आप चाहो तो डिलीट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऑप्शनल है। ठीक है, आपको सिंपल से यहाँ क्या करना है, ऐड लैंग्वेज दबाना है, और यहाँ पे इंग्लिश टाइप करना है। ठीक है, इंग्लिश सर्च करना है, इंग्लिश आ गया, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऐड। ठीक है, जैसे ही आप लोग ऐड करोगे, फिर यहाँ पे अपलोड फाइल पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए विथ टाइमिंग, जब आप लोग ये लगा के सेलेक्ट करोगे ना, तभी आपका जो वीडियो की टाइमिंग है और जो आपका ट्रांसक्राइब है या फिर जो आपका सबटाइटल है वो मैच करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के बाद आपको सर्ट फाइल को अपलोड करना है। कौन सी फाइल को, SRT। ठीक है, टेक्स्ट फाइल अपलोड मत कर दीजिएगा, SRT फाइल को आपको अपलोड करना है। सिंपल से SRT के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरे सबटाइटल्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लग गए हैं। और अभी आपको क्या करना है, सबटाइटल्स एक बार लग गए, आपको वीडियो अपनी रिवॉच करनी है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए सबटाइटल्स को आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे किसी लाइन में आपने कुछ बोला है और सबटाइटल में हो सकता है कुछ हो गया, मिसप्रिंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, सारा काम ऑटोमेट हो गया है बट थोड़ा आपको मैनुअल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिश कर दे रहा हूँ इसको, और अभी हम लोग एक बार भाई बहुत ही आराम से रिवॉच करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ तक इसके सबटाइटल सही हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बैक करके मैंने अपनी वीडियो का URL कॉपी कर लिया है। ठीक है, URL कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि मेरे ये जो सबटाइटल्स हैं ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं इसको चालू रखता हूँ तो यहाँ पे जो जो मैं बोल रहा हूँ उसके इंग्लिश सबटाइटल्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे बेनिफिट ये है कि भाई इंडियन लोग तो मेरी वीडियो को देख ही लेंगे, है कि नहीं। अब क्या होगा, मान लेते कोई फॉरेन कंट्री का देख रहा है, भैया उसको हिंदी नहीं आती बट उसको मेरी वीडियो देखनी है, तो वो क्या करेगा, सबटाइटल्स ऑन करेगा, बहुत ही आराम से देख पाएगा। ठीक है, मैं आगे भी बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे सारे सबटाइटल्स एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहे हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ,
तो प्लीज आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।